चमचम सबके तेरे पापा बोल दो ले तो घर में। आप क्यों बोले? अच्छा पापा अपना ध्यान रखती है, देख रहे हो तुम्हारे बर्थडे पे। अरे हाँ मम्मी से हाय तो कराए नहीं। हाय बोलो। हाय कैसे हो आप लोग? हाय कैसे हो आप लोग? बोलो कमेंट्स बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। आप सबको मम्मियों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। चलो सबको मम्मियों को ही सिर्फ, अरे मम्मी बहन जो भी हैं सारी मैरिड वुमन, सारी मैरिड वुमन को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नमिता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज है करवा चौथ, आज है 13 अक्टूबर। सो मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेके जल्दी आ गई हूँ मम्मी को रेडी करने के लिए, क्योंकि उनका फास्ट है और ये मेरा लास्ट, मतलब मेरा मम्मी के साथ में लास्ट करवा चौथ ही होगा ये, मतलब मैं नहीं रख रही, मतलब शादी के बाद तो मैं रखूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ मम्मी का लुक कैसा लग रहा है। सो आज मैं मम्मी को रेडी करने जा रही हूँ, मैं हमेशा मैं ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप सबको भी दिखाती हूँ कि मम्मी कैसी लग रही है। तो चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। ये है मम्मी की साड़ी, ठीक है, ये मैं लेकर ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ मैंने मम्मी के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी जो है वो रेडी हो चुकी है, तो सबसे पहले पूजा करने जा रहे हैं। और देखो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ मम्मी ने सबसे पहले क्या क्या फ़ोटो क्लिक कराने के बाद में। ये देखिए सबसे पहले मम्मी ने अपनी चप्पलें उतार दी क्योंकि मम्मी कह रही मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। चलो चलते हैं आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में पूजा कैसी की जाती है करवा चौथ की खुशी। जियो कैसे हैं? बैठोगे कैसे? पैरों से बैठो जैसे बैठते हैं। ये देखो मम्मी के पैर में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मम्मी को दर्द होता है। लो सिंदूर। चुन्नी कहाँ है आपकी? चुन्नी बोली चुन्नी भी बोल गई कहाँ है बोरी? मम्मी ने तो बताती नहीं है, बोरी इधर रही इधर रखा है, ये रखा है वहाँ रखा है। ये देखो जरा ये रही मम्मी की शादी की चुन्नी,
ये मम्मी की जो चुन्नी है ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है सीरियसली में। ये देखिए अच्छी है ना प्यारी सी चुन्नी। लो मम्मी योर चुन्नी। लो अरे वो भी पटाखा ही फूट गया किसी ने फूट दिया। छत पे फिर से वही बनियान और वही कच्चा। चलो गिर मत जाना। आइए आइए कहाँ से करोगे? यहाँ पर दिखेगा, यहाँ ही दिख रहा है देखो। अब मम्मी ने सूरज जी को जल चढ़ा दिया है, ये देखिए। अब हम जा रहे हैं नीचे और चाय भी मैंने मम्मी के लिए बना ही दी और रोज़ बन गई है चाय। अब मम्मी चाय पिएगी, फ्रूट्स खाएगी, फिर रात को फास्ट खोलेगी जब चंदा मामा आएंगे। क्या हो गया? आराम से चलो, रुको रुको मेरे को जान दो पहले। मम्मी के फल ऊपर ही बैठ के खाओगे ना, जमीन में तो बैठ नहीं जाएगा आज से। तो ये फल खा रही है मम्मी। किलाचर किधर है भैया? यही तो खड़ा होगा इस पर। कहाँ पे? टावल पर। टावल का है? फ्रिज के ऊपर। फ्रिज के ऊपर कौन सा टावल आ गया? चलो भैया मम्मी का क्लचर देते हैं। अब मम्मी अपने रूप में आने वाली है। क्या करना बताओ? लो भैया नहीं मैंने खा रहा। नहीं ये मल्लो।
लो योर पानी। भूख लग रही है आपको? फिर क्यों खा रहे हो? झूठे लो। देखो मैंने मम्मी की चाय भी बना दी है, ये रही मम्मी की चाय। क्योंकि फास्ट में स्टील के ग्लास में ही चाय पी जाती है मम्मी। मम्मी को कितने साल हो गए फास्ट रखते हुए? 26 साल। 26 साल? 26 साल से मम्मी व्रत रख रही है पापा की देर। कैसा लगता है आपको फास्ट रख रख के? सही सही लगता है। देखिए दिया बना दिया है मैंने, बत्ती भी बना दी है, मम्मी इसमें घी डाल रही है। डालो डालो घी डालो। ये दिया जल गया है। थाली सज रही है, देख लीजिए आप लोग भी थाली में क्या क्या डाला जाता है। चावल, सिंदूर, दिया, माचिस भी साथ में रख लीजिएगा, पता चले हवा चले और दिया बुझ गया। कुछ लोग तो दिया ऊपर जाके ही जलाते हैं। और ये है छन्नी, ये मैंने लास्ट टाइम मम्मी के लिए डेकोरेट कर दी, तो मम्मी देखो ऐसे ही रख ली। प्लेट भी डेकोरेट कर दी, बट प्लेट तो हटा दिया था, वो कपड़ा अच्छी लग रही है ना। अब ये भी मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। देखिए छत पर आ गए हैं हम लोग। ये रहा चंदा मामा, आज तो बहुत जल्दी निकल गया। नीचे आ चुके हैं, मम्मी ने अपना फास्ट खोल लिया है, चंदा मामा को हमने देख लिया है। तो अभी बताते हैं आपको कि हमारे घर में क्या होता है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमारे घर में दाल चावल ही बनाए जाते हैं। लाल मसूर की दाल और जो पसमा चावल होते हैं वाइट वाले जो बॉईल करके बनाते हैं, वो ही बनाए जाते हैं हर फेस्टिवल में। और जिस जिसके घर में भी हर फेस्टिवल में बनाया जाता है, वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा उतनी अच्छी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी। और आई होप आप सबकी फैमिली में भी करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया होगा। सो अभी दिखाती हूँ मैं दाल चावल हमारे घर में कैसे पूजे जाते हैं, तो मिलते हैं आगे। देखिए मैं बुरा चावल डाल ली है, ये मैं लेके जा रही हूँ, मैंने मम्मी को दे दिए हैं। मम्मी ने यहाँ पे दिया भी जला दिया है। देखिए बुरा चावल से माता को
भोग लगाया जाता है। हो गया आपका खत्म? ये देखो फास्ट खोल दी, सबसे पहले क्या खाया, मीठा, मीठे की दीवानी। पता है आप लोगों को पता है मेरी मम्मी की फेवरेट मिठाई क्या है? क्या नाम है मम्मी उस मिठाई का? चमचम। चमचम भी बोलते हैं कोई लोग, क्या बोलते हैं उसको, मलाई वाला वो बोलते ना, खोए वाला रसगुल्ला, काइंड ऑफ ऐसे बोलते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, ले आए मम्मी पहले ही ले आई, और पापा की स्पेशल डोडा बर्फी लाई है, और ईशा हमारे लिए कुछ नहीं लाई। अरे सबके लिए है वो, देख हमारे लिए कुछ नहीं लाई। अरे चमचम है सब, चमचम सबके लिए। तेरे पापा बोल दो ले तो घर। आप क्यों बोले? अच्छा पापा अपना ध्यान रखती है, देख रहे हो? तुम्हारे बर्थडे पे लेके आऊंगी, देख रहे हो हमारे बर्थडे पे? तुम्हारे उस पर मेरा बर्थडे तो निकल गया, मेरे पर तो भैया देखो होई वाले व्रत पे हमारे लिए लाया जाएगा। अभी पति का वर्ष है, पापा का, इसी वजह से हस्बैंड का ध्यान रखा जा रहा है। आ जा रही कहाँ जा रही? अब मम्मी फोटो मांग रही। चलो मम्मी मेरे फ्रेंड्स को बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे हाँ मम्मी से हाय तो कराए नहीं। हाय बोलो, हाय कैसे हो आप लोग, हाय कैसे हो आप लोग, बोलो कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। आप सबको मम्मी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। चलो सबको मम्मी हो कोई सिर्फ, अरे मम्मी बहन जो भी हैं, सारी मैरिड वुमन, सारी मैरिड वुमन को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। मैं कैसे लग रही है बताओ, कमेंट्स बॉक्स में बता, कमेंट बॉक्स में बता लो। ठीक है सब लोग रिप्लाई कीजिएगा और बोल दो सबको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना। चलो बाय बाय। तो ये था आज का व्लॉग, करवा चौथ स्पेशल व्लॉग, और आप लोग बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स भेजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।